हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक के ज़रूर देखिए। लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क भी आपको सॉल्व करना है। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल फार्मूलाज लिखा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी इन ब्रैकेट प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जो फार्मूलाज दिख रहे हैं आपको, ये फार्मूलाज को यूज़ करके आपको ये सब जो फोर एग्जांपल दिया हो, ये सब एग्जांपल आपको सॉल्व करना है ये फार्मूलाज को यूज़ करके। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन भी लिखा हो, क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ आपको मैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 इन ब्रैकेट। नंबर बी, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8। नंबर सी, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2। एंड नंबर डी, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6। ये चार क्वेश्चन दिया हुआ मैंने आपको, चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ये फॉर्मूलाज को यूज़ करके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और क्या है ये, एडिशन को यूज़ करके। ओके, फॉर्मूलाज आपको सेम टू सेम यही यूज़ करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट टाइम जो है आपको लिख कर बता रहा हूँ। मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे आपको 5 लिखना है, जहाँ पे बी है वहाँ पे 2, और जहाँ पे सी है वहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लिखना है। ओके, जहाँ पे सी आपको 2 लिखना है वहाँ पे। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ ए मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, ये प्लस हो गया, उसके बाद ये नंबर ए मल्टीप्लाई बाय सी। ए मल्टीप्लाई बाय सी मीन्स ए मीन्स क्या है हमारा, 5। ओके, उसके बाद सी जो है वो क्या है, 2 है। देन 5 मल्टीप्लाई बाय आपने 2 कर लिया। अब इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 7 जार 35। देन प्लस का साइन आपको एज इट इज लिखना है, प्लस। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जार 10। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो चला गया, आपका ब्रैकेट्स भी जो है आपके ओपन हो गए। अब सिंपल से आपको क्या करना है, 35 को 10 से प्लस करना है। ओके, 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 45। सो दिस इज़ योर आंसर, आंसर इज 45। दिस इज़ वेरी सिंपल स्टेप टू सॉल्व दिस एग्जांपल। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से आपको ये एग्जांपल जो है सॉल्व करना है। सेम आपको एज इट इज करना है, आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देन 9 को आपको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, फिर से ये 9 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 8। जो मीन्स ए है आपका वो 2 टाइम आना चाहिए, और ये बी और ये सी। ओके, नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 9 टू जार 18 प्लस, एंड देन 9 एट जार 72। ओके, अब इसको आप सिंपल से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, 18 प्लस 72, आप इसको सिंपल से इस तरह से भी कर सकते हो, 18 प्लस 72 इज इक्वल टू 90। सो दिस इज योर आंसर, आंसर इज 9090। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2। ये एग्जांपल को आपको सेम एज इट इज सोल्व करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया है, सेम वैसा ही। 10 को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 10 को आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। देन 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इन ब्रैकेट
प्लस फिर से ये 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करना है आपको कि 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 10 6 जार 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 2 जार 20। अब ये सिंपल सा आप एडिशन कर सकते हो, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80, आंसर इज, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आंसर इज 80। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड लाइक दिस क्वेश्चन। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, नंबर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी नंबर फोर्थ है ना, नंबर फोर्थ क्वेश्चन, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6। सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 25 को आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इन ब्रैकेट प्लस, अब यही 25 को 6 से भी मल्टीप्लाई करना है आपको, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी इन ब्रैकेट प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, यही फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है। इफ़ यू मल्टीप्लाई 25 इंटू 5, अगर आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है 125 निकल कर आएगा, 125 प्लस 25 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट आंसर इज 150। अब आपको क्या करना है, 125 को 150 से क्या करना है, आपको प्लस करना है, 125 प्लस 150 आंसर इज 275, आंसर इज 275, दिस इज योर आंसर। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ईजिली जो है समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये फॉर्मूलाज को यूज़ करके सब एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, सो आफ्टर दिस आई विल गिव सम होमवर्क फॉर यू, दिस इज़ योर होमवर्क। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6। नंबर सेकेंड, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8। एंड नंबर थर्ड क्वेश्चन इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। दिस थ्री क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको अच्छे से घर पर सॉल्व करना है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप लिंक से आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। ओके, सो वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।